हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम सारानी। तो मैं रश्मि मलिक यूपी शामली से एक बार फिर से आप लोगों को स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल परी व्लॉग में। सबसे पहले बता दूँ कि मैं यूपी शामली से हूँ और मैं भी एक जाट फैमिली से बिलोंग करती हूँ। क्योंकि बहुत से लोग पूछे थे कि आप मलिक लगाते हो बाद में, तो नहीं, मैं मलिक लगाती हूँ क्योंकि मैं जाट फैमिली से बिलोंग करती हूँ। ठीक है, तो मेरा सर नेम है मलिक, रश्मि मलिक। तो मैं यूपी शामली से हूँ और मैं भी एक जाट फैमिली से बिलोंग करती हूँ। तो अब बात करते हैं। सबसे पहले देखो, मैं रेखा के लिए, आपने बोला कि अब तक तो आप रेखा के खिलाफ थे, अब आप रेखा के सपोर्ट में कैसे आ गए और अब आप सपना के खिलाफ कैसे? मैं सपना के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं हूँ, बिल्कुल भी सपना के खिलाफ नहीं हूँ। और जो रेखा ने सपना के लिए जो भी वर्ड बोले, उसके ससुराल वालों के लिए बोले, उसके लिए मैं रेखा को ना तो कभी रेखा को उस चीज़ के लिए कभी सपोर्ट करूँगी ना उसका साथ दूंगी। इस बात फिलहाल जो बात हो रही है ना, फिलहाल रेखा के और उसके परिवार को लेकर बात हो रही है, उसके ससुराल को लेकर। और जो रेखा की और जो सपना की कंट्रोवर्सी हुई है ना, उसको फिलहाल साइड में रख दो। उस चीज़ को ना मैं बिल्कुल ना तो डिस्कस कर रही हूँ उस चीज़ को और ना उस चीज़ को बीच में ला रही हूँ। वो मैटर बिल्कुल अलग था और ये मैटर बिल्कुल अलग है। ठीक है, रेखा वहाँ गलती, बहुत ज़्यादा गलती, तो उसको मैं उसके लिए मैंने गलत वीडियो ही बनाई है। पर यहाँ पर मैं अगर उसके सपोर्ट में वीडियो बना रही हूँ तो कुछ सोच समझ कर ही बना रही हूँ, क्योंकि मैं भी एक शादीशुदा लड़की हूँ, मैं भी एक 30+ एज में जा रही हूँ, मैं भी 32 एज की हूँ, मेरे भी दो बच्चे हैं, मेरा भी ससुराल है, मेरा भी मायका है। ठीक है, और जो मैं अब बात करने जा रही हूँ ना, वो बात आप रेखा सपना किसी को जोड़ के मत देखना। वो बात सिर्फ आप अपना, जिनकी लड़कियों की शादी हो रही है, वो सोचना क्या अगर रेखा की जगह वो होती तो क्या उनका रिएक्शन ऐसा होता कि नहीं होता, क्या उनके पेरेंट्स का रिएक्शन ऐसा होता कि नहीं होता। सबसे पहले बात करती हूँ और एक बात बता देती हूँ, चलो वो बात छोड़ते हैं, फिलहाल बात करते हैं। सबसे पहले बात करती हूँ मैं रेखा के ऊपर जो एलिगेशन लग रहे हैं कि रेखा ने अपने हस्बैंड को रेपिस्ट क्यों बोला। ये बात मैंने भी बोली थी कि गलत बात है अपने हस्बैंड को रेपिस्ट बोलना। लेकिन जब मैंने सारी बात अपने ऊपर लेके सोची, तो जब मैंने ये वीडियो बना रही हूँ, ठीक है, रेखा ने अपने हस्बैंड को रेपिस्ट क्यों बोला। रेखा का कहना है, उसने ये नहीं बोला कि मेरे हस्बैंड ने मेरा रेप किया है या वो है। ये एक नॉर्मली बात होती है, ये एक बात इल्ज़ाम लगाने वाली बात नहीं है, ये एक बात कहने वाली है। ठीक है, उसका कहना है कि जब प्रदीप के माइंड में ये था और उनके परिवार के माइंड में ये था कि रेखा हमारे घर के लायक नहीं है और रेखा के साथ हमारी नहीं बनेगी, हस्बैंड को मालूम था कि रेखा के साथ मेरी नहीं बनेगी, तो उनको रेखा के साथ ये रिलेशन नहीं बनाने थे। रेखा को पहले ही बोल देना था कि तुम्हारी हमारी नहीं बनेगी, तो या तो उस बात को बैठकर डिस्कस की जाती दोनों पेरेंट्स के बीच में, परिवार के बीच में। ये जो किया है ना, कि जब वो उसने जो बोला ना सार कि मैंने अपने आप कंसीव किया है, ये नहीं बोला, ध्यान से सुनो, जब मैं 7 मंथ प्रेग्नेंट हो गई, उसने बोला, बहुत से लोग कहते ना कि इसको इतनी लेट कैसे मालूम चला एज ए डॉक्टर कि ये 7 मंथ प्रेग्नेंट है। ये नहीं कहा कि मैं 7 मंथ प्रेग्नेंट, मुझे 7 मंथ में पता चला। जब मैं 7 मंथ प्रेग्नेंट हो गई, उसके बाद ही प्रदीप ने ये डिसीजन क्यों लिया कि रेखा की और मेरी ट्विनिंग जो है वो नहीं बनेगी, मैं रेखा के साथ नहीं रह सकता। ये बात मेरे, जब मैंने कंसीव किया उससे पहले भी बोल सकते थे। अगर उनके मन में ऐसा था मेरे लिए, तो उन्होंने मेरे साथ रिलेशन क्यों बनाया? क्योंकि एक लड़की की ज़िंदगी जो होती है ना, वो बच्चा होने के बाद ना बदल जाती है। मैं मानती हूँ कि एज ए रेखा, एज ए वूमेन गलत हो सकती है, लेकिन एज ए मदर कोई गलत नहीं होती। बहुत सारी गलतियों का एहसास माँ बनने के बाद मालूम पड़ता है कि माँ बनने के बाद बहुत सारे जो लेडीज़ के अंदर बहुत सारी चेंजेज आते हैं, बहुत सारी बातों को महसूस करती है, बहुत सारी सोचने की जो शक्ति होती है वो चेंज हो जाती है, बहुत कुछ चेंज होते हैं एक माँ बनने के बाद। एहसास होता है कि हमारे माँ बाप ने हमारे लिए क्या करा होगा। उससे पहले तो अपने माँ बाप को भी गलत शब्द बोल देते हैं, लेकिन असली माँ बाप की अहमियत का जब पता चलता है कि जब खुद माँ बनती है लड़की। ठीक है, और रही बात, आप मुझे एक बताओ, हर चीज़ में लड़की को क्यों गलत ठहराया जाता है? अगर किसी का हस्बैंड मर जाए और वो लड़की कुछ महीनों बाद
कुछ हल्का सा मेकअप कर ले, लिपस्टिक लगा ले, बिंदी लगा ले, या हंसी खुशी सही से जीना स्टार्ट कर दे, तो लोग बाग उसका जीना हराम कर देते हैं। अरे यार कितना मेकअप करके घूमती है, इसका पति मरा है, ये हुआ है, वो हुआ है, लड़की को ताने दे देकर मार देंगे। लेकिन अगर यही कंडीशन आदमी के साथ हो, आदमी की पत्नी मर जाए, ठीक है, और वो आदमी सज धज के मतलब अच्छे से नहा धो के और कंघा वंघा करके और अच्छे से कपड़े पहन के दो आदमियों के बीच में बैठ जाए, हंसे अच्छे सी बात, उसे कोई नहीं बोलेगा कि यार इसकी तो अभी पत्नी मरी थी 2 महीने पहले और अब ये आदमी वो बैठ के हंस रहा है, नए कपड़े पहनना है, नहा धो रहा है। क्यों? सारे इल्ज़ाम औरत के ऊपर ही क्यों आते हैं? मैं बिल्कुल ये भूल जाओ कि मैं रेखा को सपोर्ट कर रही हूँ, सिर्फ ये बोलो मैं एक औरत को सपोर्ट कर रही हूँ जो अभी मैरिड हैं, क्या उनके साथ ये सब नहीं होता है? क्या वो ये सब फेस नहीं करती हैं? क्या किसी हस्बैंड वाइफ के बीच में और सास ससुर के बीच में लड़ाई नहीं होती है? क्या माँ बाप अपनी लड़की को सपोर्ट नहीं करते हैं, है ना? अगर यही केस रेखा की जगह प्रदीप के साथ हुआ होता, रेखा ने प्रदीप को और प्रदीप की बेटी को छोड़ दिया होता, ठीक है, तो आज प्रदीप को सही बोल रहे हैं, लेकिन उस टाइम पर हम रेखा को ही गलत बोलते। क्यों? क्योंकि हर जगह जो पिसता है वो सिर्फ लेडीज पिसती है, औरत पिसती है, अच्छा करे तो लेडीज गलत, गलत करे तो लेडीज गलत, ठीक है। और सारे जो एलिगेशन रेखा के ऊपर लगाए जाते हैं, क्या प्रदीप 100% ठीक है? क्या प्रदीप की कोई गलती नहीं रही होगी? चलो रेखा गलती, रेखा बदतमीज थी, तो क्या प्रदीप ने कोशिश क्यों नहीं करी अपना रिश्ता सुधारने की? अगर एक इंसान गलत है तो दूसरा इंसान तो सही होता है ना? अगर एक इंसान समझदार नहीं है तो दूसरे इंसान को समझदार बनना पड़ता है अपना रिश्ता चलाने के लिए, क्योंकि इसलिए इनका जो रिश्ता टूटा है ना वो सिर्फ एक वजह से नहीं टूटा है, दोनों की गलतियां हैं जब भी रिश्ता टूटा है। और जो ताली है ना वो एक हाथ से कभी नहीं बजती, दोनों हाथ से बजती है, सिर्फ किसी की कम और किसी की ज़्यादा, गलतियाँ दोनों की हैं, ठीक है। और एक बात मैं पूछ सकती हूँ, ज़्यादातर यही होता है कि सास बहू के साथ अच्छे से बिहेव नहीं करती है, ठीक है। अगर हमारी सास हमारे साथ अच्छे से बिहेव करे, जैसे अपनी बेटी को प्यार करती है, जैसे अपने बेटों को प्यार करती है, ऐसे ही अपनी बहू को प्यार करे, तो बहू पागल थोड़ना है, बहू के सींग थोड़ना हो रहे हैं कि वो बिना बात के लड़ने के लिए भागेगी? अरे जब तुम अपनी बहू के साथ अच्छे से रहोगे, उसके साथ सब कुछ अच्छा बना के रखोगे, उसको समझोगे, जैसा अपनी बेटी को प्यार करते हो ऐसे प्यार अपनी बहू को करोगे, तो बहू पागल थोड़ना है, उसके सींग थोड़ना होते हैं कि जबरदस्ती कहती है आ बैल मुझे मार। अगर तुम अच्छा रहोगे तो वो भी तुम्हारे साथ अच्छा ही रहेगी, वो भी तुम्हारे साथ गलत बिहेव नहीं करेगी। अगर कुछ गलत कर भी रही है तो उसको समझाने का, अगर हस्बैंड वाइफ कुछ गलत कर भी रहे हैं तो सास ससुर किस लिए होते हैं? दोनों को पास बैठ के समझाएं। अगर रेखा ने और प्रदीप ने डिवोर्स का डिसीजन लिया ही था तो उनको पास बैठ कर समझाना चाहिए था कि बेटा अब तेरी वाइफ जो है 7 मंथ प्रेगनेंट है और तुझे अब लाइफ इसके साथ ही गुजारनी है। अगर मुझे दोनों में कुछ गलत हो रहा है तो बैठ के उसको सॉर्ट आउट करना चाहिए था, ये नहीं कि उठा के डिवोर्स का केस फाइल कर दिया यार किसी की। और बोलते हैं फिर कि माँ बाप इतना बोलते हैं, रेखा के माँ बाप ने ये बोला, रेखा अगर बहुत से केसों में ऐसा देखा है मैंने कि जब लड़ाई होती है हस्बैंड वाइफ की ससुराल में, तो लड़की के जो माँ बाप है ना वो सपोर्ट नहीं करते कई बार लड़कियों, ठीक है। मैं न्यूज़ वीडियो बनाती थी पहले, अब भी बना देती हूँ, हरियाणा की बहुत सारी न्यूज़ वीडियो बनाई है, आपने सुन भी लेना, सुनी भी होंगी। कई बार उससे होते हैं कि इन केसेज में ना लड़की के माँ बाप लड़की का साथ नहीं देते हैं, तो पता है फिर वो लड़की क्या डिसीजन लेती है? वो या तो सल्फास खा लेती है या फिर फांसी लगा के मर जाती है, ठीक है। उसके बाद फिर उसके इंसाफ के लिए थाने में चक्कर लगाए जाते हैं। अगर उससे अच्छा तुम अपनी बेटी का सपोर्ट करो, ठीक है, उससे अच्छा तुम अगर बेटी का सपोर्ट करो ना तो तुम्हारी बेटी को कभी ये महसूस नहीं होगा कि वो शादी के बाद पराई हो गई है, ठीक है। लड़की अगर ससुराल में लड़की का सपोर्ट नहीं होगा तो लड़की कहाँ आएगी? अपने माँ बाप के पास तो आएगी ना, माँ बाप से सहारा मांगेगी ना। रेखा के माँ बाप ने मानती होंगी बहुत सारी वर्डिंग है गलत बोली है, लेकिन जब एक माँ होती है ना, माँ बाप होते हैं, वो अपनी बेटी को पाल पोस के इतने से इतना बड़ा करते हैं, और उसके साथ जब गलत होता है, मैं ये नहीं कह रही कि रेखा गलती नहीं है, गलती दोनों की है, लेकिन जब रिश्ता टूटता है ना बेटी का, तो माँ बाप का जो है ना कलेजा बाहर निकल कर आ जाता है, ठीक है। और जब थोड़ी बहुत हर लड़ाई, ये नहीं कि इन्होंने कहा, हमारी भी लड़ाई झगड़े होते हैं हस्बैंड वाइफ की, अगर हमारी मेरे पापा भी अगर इनके घर वालों को कुछ कहते हैं तो एक दो बात गलत से मुँह से गलत निकल जाती है, सारी ट्रेनिंग अच्छी नहीं होती है। और आपने सिर्फ एक तरफ की बातें सुनी है, क्या पता दूसरा जो दूसरे लोग जो है वो इससे भी गलत बोलते हों।
उनके बारे में आपने कुछ नहीं सुना ना, तो फिर कैसे जज कर सकते हो आप यहाँ पे कि रेखा गलत है, रेखा ये है, रेखा वो है। रेखा गलत थी सपना वाले मैटर में, लेकिन मैं यहाँ पर रेखा को गलत नहीं मानती हूँ। वो अपनी बेटी के लिए लड़ रही है और लड़ना भी चाहिए। देखो लड़ाई झगड़े ना हर रिश्ते में होते हैं, लेकिन सास ससुर जो होते हैं ना उनको बैठकर समझाना चाहिए कि रिश्ता बेटा ऐसे तोड़न जाता है। किसी की बेटी है जिसे तू ब्याह के लाया है, लव मैरिज या भाग कर नहीं आई है शादी करके, तू बिठा ब्याह के लाया है। और 100 आदमी जाते हैं जब लड़की अकेली आती है, ठीक है, 100 आदमी जाते हैं लेने के लिए जब लड़की अकेली आती है, तो बैठकर समझाना चाहिए था। रिश्ता तोड़ने की जरूरत नहीं होती है, रिश्ता बहुत मुश्किल से निभाया जाता है। तो बड़ों का काम होता है रिश्ते को बचाना, रिश्ते को तोड़वाना नहीं, ठीक है। और बोलते हैं कि रेखा ने अपने घर वालों को कैद करके रखा, ससुराल वालों को कैद करके रखते हैं। कहाँ से कैद करके रखते हैं मुझे एक बात बताओ। क्या जब प्रदीप छुट्टी आता है तो वो प्रदीप के साथ दूसरे घर जाने रहने के लिए जाते हैं, नहीं जाते हैं? तो रेखा रोक लेती है कि नहीं प्रदीप के घर नहीं जाना, ये सारा काम रेखा से पूछे करते हैं। बस आपने रेखा की बात तो सुन ली, रेखा ने ये बोला, रेखा ने वो बोला। सपना की बात अलग करके बोलना बिल्कुल, सास ससुर और प्रदीप की बात, ठीक है, सपना को बिल्कुल अलग कर दो इस मैटर से। ये बोला वो बोला बोला, क्या किसी ने ये भी सुना कि उधर से उन्होंने क्या बोला या वो क्या बोलते हैं? उनकी इनके घर वालों की रिकॉर्डिंग तो शेयर कर दी गई है, क्या उधर की रिकॉर्डिंग भी शेयर की किसी ने कि वो लोग क्या बोलते हैं? क्या अकेले रेखा की गलती सारी? क्या रेखा बोलती है आ बैल मुझे मार, वो पागल है अपना घर तोड़वाना चाहेगी? और रही एक वो चलती है, रेखा का अफेयर चल रहा है, रेखा का अफेयर चल रहा है किसके साथ? विनोद चौधरी के साथ, है ना, स्ट्राइकर के साथ। मुझे एक बार बताओ, यहाँ तुम रिश्ता तोड़वाने आए हो या जुड़वाने आए हो? क्या पता प्रदीप का अफेयर चल रहा हो किसी के साथ, इसलिए प्रदीप ने रेखा को छोड़ा हो? रेखा को अगर अफेयर चलाना ही होता, रेखा को अगर किसी और के साथ रहना ही होता, तो वो प्रदीप के घर पर आकर क्यों बैठती? क्यों कहती कि मुझे अपना रिश्ता बचाना है, मुझे प्रदीप के साथ रहना है? ये सारी बातें आप एक लेडीज होकर सोचना, रेखा सपना अलका किसी को इसमें इन्वॉल्व ना करना, ठीक है। ये सारी बातें आप एक लेडीज होकर सोचना, सिर्फ एक लड़की होकर सोचना जिसकी शादी हो गई हो। रेखा मतलब किसी और का अफेयर होता तो वो प्रदीप को चक्कर में पड़ती क्यों? अब तक तो उसको डिवोर्स दे देती, किसी और के साथ रहना होता तो उसका कहते हैं कि वो अरे वो डॉक्टर है, वो ये है, वो भी डेंटिस्ट है, चाहे कैसी है, पैसे तो वो भी कमाती होगी। और जब अगर डिवोर्स मिल जाएगा तो उसको क्लेम भी मिलेगा, उसको पैसा हर महीने पैसे भी देने पड़ेंगे अपनी बच्ची के और पति खर्चे के। तो फिर वो जो उसे अभी मिल रहे हैं वो बाद में मिलेंगे, और उसके ऊपर से क्लेम भी मिलेगा। तो वो अगर उसका अफेयर कहीं चल रहा है तो वो प्रदीप को कब का छोड़ती होती? क्यों किसी लड़की के कैरेक्टर पर उंगली उठा रहे हो सोशल मीडिया पर आकर? एक बात और बोलना चाहूँगी स्पेशली प्रदीप को। देखो प्रदीप भाई, मैं आपको नहीं जानती, मैं आपकी वाइफ को भी नहीं जानती, मैं किसी को नहीं जानती, मैं इस मैटर में पढ़ना भी चाहती हूँ, ठीक है। लेकिन एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ वूमेन, एज अ मैं एक लड़की हूँ, मैं समझ सकती हूँ। देखो जो हस्बैंड वाइफ की लड़ाई होती है ना भाई, वो दुनिया में कोई सॉर्ट आउट नहीं कर सकता, कोई भी सॉर्ट आउट नहीं कर सकता। हस्बैंड वाइफ की जो लड़ाई होती है ना, वो सिर्फ हस्बैंड वाइफ बैठ कर ही आपस में सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। बेशक मैं मानती हूँ रेखा की गलती होगी, रेखा ने आपको गलत सल्ट बोला होगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपने भी गलत बोला होगा। ऐसे तो नहीं कि आपने कुछ नहीं बोला। और ये हस्बैंड वाइफ का इस तरह, देखो सारे रिश्ते जो होते हैं ना सेल्फिश होते हैं, बस बच्चे हों, माँ बाप हों, भाई बहन हों, कोई भी हों, इतने माँ बाप हैं, इतने हैं, उसके बाद ना भाई बहन, भाभी, बच्चे, जहाँ तक बच्चे भी छोड़ जाते हैं। आखिर में अगर किसी का रिश्ता बचता है ना, तो वो हस्बैंड वाइफ का बचता है, वही बुढ़ापे में एक दूसरे का सहारा बनते हैं, वही आखिरी टाइम तक एक दूसरे के साथ रहते हैं। मैं मानती हूँ रेखा ने गलती की है, चलो बहुत बड़ी गलती की है उसने, लेकिन देखो एक मौका तो भगवान भी दे देता है ना। अगर वो एक मौका मांग रही है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ उसे एक मौका देकर देखें। अगर वो गलत होगी, उसके बाद भी वो गलत चली ना, तो जो आप कहेंगे ना वो होगा। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप तक मेरी वीडियो जाती है ना, तो प्लीज़ रेखा को एक मौका दें, प्लीज़ रेखा को एक मौका जरूर दें। एक मौका तो भगवान देता है उस बच्ची के लिए, छोटी सी बच्ची के लिए, जिसके पापा हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो किसी को पापा नहीं कहती है। उसको पता ही नहीं उसके पापा कहाँ हैं, कौन है, वो एक पापा के प्यार से अनजान है बहुत ज़्यादा, और उसे वो प्यार चाहिए। आपको पता है कि माँ बाप क्या होते हैं बच्चे के लिए। और मैं एक बात बोल जाती हूँ रेखा को, रेखा सोशल मीडिया पर जो भी कुछ हो रहा है, तुम्हें लेकर जो भी बोला जा रहा है, जितनी भी वीडियो बनाई जा रही है, मैं तुमसे सिर्फ एक बात कहना चाहूँगी, इग्नोर। किसी भी वीडियो का, किसी भी चीज़ का जवाब मत देना, क्योंकि लोग तुम्हारे जवाब का वेट कर रहे हैं, और फिर
क्या तमाशा निकलेगा तुम्हें पता है। कहते हैं ना, एक चुप सौ को हरा देता है। तो चुप जो तुम कर रही हो, अपना काम करो, अपना काम करते रहो। तुम्हारे सपोर्ट में बहुत सारे लोग आ गए हैं। लोग तुम्हें गलत मानते हैं कि तुमने रेखा को सपना को गलत बोला। वहाँ पर मैं भी तुम्हें गलत बोलती हूँ कि हाँ तुमने गलत बोला, बहुत गलत बोला, बहुत ज़्यादा गलत हो तुम वहाँ पर। लेकिन अब फिलहाल जो तुम कर रही हो, तुम्हें अपना परिवार चाहिए ना, तो बिल्कुल चुप, किसी भी बात का कोई जवाब मत दो। कोई आदमी कब तक बोलेगा? एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन, पाँच दिन। जब तुम रेस्पॉन्स नहीं दोगी, तुम रिप्लाई नहीं दोगी, तो कोई नहीं बोलेगा, सब चुप हो जाएंगे। तो कहते हैं ना, एक चुप सो को हराता है। तो वही काम तुम्हें करना है। तुम्हें किसी चीज़ का बिल्कुल भी रिप्लाई में मत देना। अपनी ज़िंदगी जियो, अपनी वीडियो बनाओ, अपने बच्चे के साथ मस्त रहो, ठीक है। तो इस वीडियो करते हैं यहीं पर एंड, और फिर मिलते हैं आपको अच्छे से नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और इस वीडियो को ना ध्यान से सुनना, और गलत वे में मत लेके जाना, बिल्कुल सही वे में लेना। और रेखा, सपना, अलका, किसी को भी बीच में ना लेके, एक सिर्फ लड़की, एक लेडीज को रख कर देखना कि अगर ये साथ तुम्हारे साथ होता तो तुम क्या करते। रेपिस्ट वाली मैंने बात बोल दी, सिर्फ इसलिए रेपिस्ट बोला है, मन से कभी कभी ना कुछ गलत वर्ड निकल जाते हैं, कुछ गलत बहुत सारे वर्ड निकल जाते हैं जब आदमी को गुस्सा आता है। तो उसने सिर्फ ये इसलिए बोला रेपिस्ट कि जब उसे छोड़ना था तो उन्होंने 7 मंथ जब प्रेगनेंट थी जब ये बात क्यों बोली।